नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत मु मंदाकिनी प्रथम देखिबा हेडलाइंस। मार्च 24 रु पौर निर्वाचन फेब्रुआरी 28 रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। मार्च 2 रु 7 जाय मनोनयन पत्र दाखल। आईनगत कारण रु पुरी रे हेबनी निर्वाचन। रुषिया अटाक पर युक्रेन काउंटर अटाक। मेलिटोपाल सहर को पुमी निज कब्जा को नेला युक्रेन। सेपटे राष्ट्रपति जिलेंस्की का बयान, मु एवं मो परिवार रुषिया टार्गेट रे किंतु छाड़ी भी नहीं कि पुतिन का सह 25 मिनट कथा हेले मोदी। नाटो विवाद को आलोचन रे समाधान करने को परामर्श। युक्रेन रे फसीथिबा भारतीयों को आनिबा मुख्य प्राथमिकता। हेल्पलाइन नंबर जारी परे आज वैदेशिक मंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक। युक्रेन रे फसी ओडिया मयूरभंज नवरंगपुर संबलपुर झारसुगुड़ार छात्र छात्री फसीथिबा सूचना। पिलांकु सुरक्षित उद्धार पई परिवार वर्गक गुहार। गृहमंत्री अमित शाह का सह कथा हेले मुख्यमंत्री। युक्रेन रे फसीथिबा ओडिया को उद्धार संपर्क में आलोचना। छात्र एवं श्रमिकों को सुरक्षित उद्धार नहीं कले निवेदन। समस्त को सुरक्षित उद्धार पई प्रतिश्रुति देले शाह। निर्वाचन परिचालना को नहीं बर्षिले बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती। कहले शासक दल को विजयी करने तैयारी हो गलाट मैजिशन भाव काम करुच्ची निर्वाचन कमिशन। चक्षु बंधन करने करा प्रयास। भोट गणति स्वच्छता दाबी रे बीजेपी धारणा। निर्वाचन कमिशन ऑफिस आगे धारणा देला बीजेपी। शासक दल को जितायबा को निर्वाचन कमिशन गलाट कर बीजेपी अभियोग। रिमांडे आसला ठक डाक्टर रमेश स्वाई। तीन दिन रिमांड पर अनुमति देले एसडीजेएम कोर्ट। गतकाली रमेश विरोध में अभियोग आनी गुवाहाटीर जड़े महिला। सरकारी डाक्तराणी को फ्लाट नारे रमेश लगता चून। संपूर्ण खबर को पंचायत पर बाजिला पौर निर्वाचन बिकुल। मार्च 24 रु पौर निर्वाचन पड़ भोट। मार्च 26 रे घोषणा हेबो फलाफल। प्रेस मीट्रे एनी घोषणा करिसेंति राज्य निर्वाचन कमिश्नर आदित्य प्रसाद पाढ़ी। अध्यक्ष एवं मेयर पदवी पर सीधा सड़क भोटिंग होतबारु दुईटी ईवीएम मशीन रहिबो। वोटरों पर नोटा विकल्प मध्ये रहिबो। फेब्रुआरी 28 रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। मार्च 2 रु 7 पर्यंत मनोनयन पत्र दाखल करिहेबो। मार्च 9 रे जांच एवं 14 सुधा प्रत्याहार करिहेबो। 106 एनएससी म्युनिसिपालिटी एवं 3टी महानगर रे हेबो निर्वाचन। आईनगत कारण रु पुरी रे हेबनी म्युनिसिपालिटी निर्वाचन। राज्य रे मोट 106टी पौर परिषद 47 म्युनिसिपालिटी और 59 एनएससी एवं 3टी पौर निगम रे साधारण निर्वाचन हेबो। 106टी पौर परिषद पे मोट 1731टी वार्ड रे 3030 बूथ अच्छी एवं 27 लक्ष रु ऊर्ध वोटर अच्छा। से हीपरी 3टी पौर निगम मोट 168 वार्ड रे मोट 168 वार्ड रो 1407 बूथ थिबा बेले 1426000 रु अधिक वोटर अच्छा। प्राथमिक वोटर तालिका प्रकाशन हेबा परे राजनीतिक दल मानकु एक कॉपी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दिया जीवा पे कमिशन निर्देश दे थिले एवं यहाँ जिलापाल माने पालन कर राज्य प्रथम थर पर मेयर एवं चेयरपर्सन पाई निर्वाचन डायरेक्ट हबो एवं यहाँ कमिशन आवश्यक पदक्षेप नहीं। चेयरपर्सन एवं मेयर पदवी पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो प्रत्येक बूथ रे एथरो दुईटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेपरेट कंपार्टमेंट रे व्यवहार करा जीवो। काउंसिलर एवं कॉर्पोरेटर पे दुईटी व्हीकल। चेयरपर्सन मानको पे 4टी गाड़ी। मेयर पे 6टी गाड़ी एवं पॉलिटिकल पार्टी प्रत्येक कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी पे आउ एनएससी पे 2टी लेखा गाड़ी। निर्वाचन रे अंश ग्रहण करथिबा प्रार्थी मानको पे नामांकन पत्र सहित 2टी सत्यपाठ देबा बाध्यतामूलक हबो। प्रथम सत्यपाठ होची शिक्षागत योग्यता
अपराधिक मामला एवं संपत्ति तालिका से विषय आउ द्वितीयटा हूँ गोटे स्त्री जीवित एवं दुईटी रु अधिक पिला नथिबा से विषय नोटिस इश्यू होची 28/2022 नॉमिनेशन रिसीव करा जीव 2/3/2022 रु 7/3/2022 छः दिन पे नॉमिनेशन रिसीव करा जीव एथिरे जो पब्लिक हॉलिडे अछि सेही दिन भी नॉमिनेशन रिसीव करा जीव सो ऑल 6 डेज स्क्रूटिनी हबो 9/3/2022 तारीख दिन विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर एटा होची 24/14/2022 एथिरे गवर्नमेंट हॉलिडे मिसिबन जो गवर्नमेंट हॉलिडे दिन विथड्रॉल हे परिबनी किंतु बाकी दिन रे जो वर्किंग डे अछि सेठे विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट तेबे संपर्क रे अधिक आलोचना करया पे हमें सीधा सडक चबा कटक को कटक रे उपस्थित अछंती हमर प्रतिनिधि विश्वजीत दास एवं राउरकेला को चबा राउरकेला रे उपस्थित अछंती हमर प्रतिनिधि अम्य परिडा विश्वजीत प्रथम आपण पाखक आसापी चाहिए जेहेतु पौर निर्वाचन पर बिगुल बाजी सारी खास करी जो भोटर माने रही है प्रत्यक्ष भाव से मुखिया को बाछी पारे खास करके प्रार्थी मैंने केुशी प्रार्थी कथा छाड़ू जी भोटर मैंने रही बर्तमान लोक मैंने एरिया के खुशी अच्छा निश्चित भाव देखो जो अपेक्षा था तार अंत घटी और आज डिक्लेयर हो पौर निर्वाचन तारीख घोषणा करपर गोटे बिगुल बाजी सारी निर्वाचन और मार्च 24 जो इलेक्शन तारीख घोषणा कर 26 तारीख काउंटिंग व्यवस्था करें रही बारवाटी विधायक मोहम्मद मुकी आम सहित अच्छा सहित आलोचना करवा कि कांग्रेस बारवाटी में प्रस्तुत रही प्रार्थी जो मैंने के चूड़ांत पर्यायर पहुंची प्रति वार्ड में जो प्रार्थी रही कि कैंडिडेट दब कांग्रेस आप जानते हैं कांग्रेस कथ कहे 69 वार्ड कटक महानगर निगम अच्छी तेल पूर्व निर्वाचन में 10 वार्ड हाथी था सर अगस्त स्वागत करी गोटे अपेक्षा था तर अंत घटी और बिगुल बाजी सारी आप प्रस्तुत बारवाटी विधायक हिसाब से कटक को पूरा देखी देखु ये बिगुल को बहुत दिन अपेक्षा करते कटक सहरवासी दीर्घ 3 वर्ष ऊर्ध समय हो गला सरकार निर्वाचन करून पछघुंचा दौले एवं कटक सहर साधारण जनता मौलिक सेवार वंचित होते निर्वाचित प्रतिनिधि ना हेतु अंचल समस्या समाधान हो पार ना तेणु आज आम या स्वागत करुचे एवं कांग्रेस पूर्ण प्रस्तुत अच्छी विगत दिन में कांग्रेस जो जो जगार प्रार्थी मान लड़े ग्रीन सिग्नल दिहाई से मैंने कार्यक्रम आरंभ कर लोकों सहित अच्छा विगत दिन आम आशा करुचु जे कटक सहरवासी जो निर्वाचन को अपेक्षा थिला से निर्वाचन आसी जाइछि एवं एक निर्णायक निष्पत्ति नेबे एवं उचित प्रार्थी को निर्वाचित करिवे ओरे दृढ़ विश्वास अछि हाते आ कम समय रहिला कि बड़ी लोक पाखक जीवे पहुँचे जेहेतु आप देखी 19 जो पूर्व निर्वाचन में 10 सीट हाथी थिला कांग्रेस एथरक कौन आशा रही देखु गत निर्वाचन समय अलग थिला ए निर्वाचन समय अलग अछि एवं गत निर्वाचन में 10 सीट आधे अख्तियार करूँ ता परवर्त समय कटक सहरवासी विधायक निर्वाचित कर सुजोग आमको विधायक भाव निर्वाचित कर 20 रु ऊर्ध वार्ड 32 टी वार्ड मध्य आम निर्वाचन में अग्रणी थी एवं 14 रे मध्य सदर में लोक मैंने अवहेलित अनुभव करते मीटिंग करने अनुभव करते पाखे जपरी भाव लोकों प्रतिनिधि पहुँचा कथा पहुँचू ना तेणु आम आशायी अच्छू सदर रु और 14 मत बहुत भल रिजल्ट हम बोली कांग्रेस लोकों भितर रही प्रार्थी को प्रार्थी कर दृढ़ विश्वास अच्छी सब प्रार्थी कांग्रेस प्रार्थी भारी पड़े और ये निर्वाचन कटक सहरवासी कांग्रेस सपक्ष देवे हाथ कम समय रहा लोक के पहुँचे भावुँ लोकों पाखे सबुदिन आम पहुँचुचु ये कार्यक्रम वर्ष वर्ष धरी चली कोरोना जो जो 2-3 मास बंद थी पुणी तापर आरंभ करूँ ते लोकों सहित आम अच्छु मुझे अनुभव करू ना जे निर्वाचन पर लोक आम जीव प्रचार पर आम लोकों सहित अच्छू लोकों सहित रही थी लोकों सहित रहीबु सर बीजेपी रो विकास आ राज्य सरकार अनेक योजना शुद्ध राज्य सरकार योजना बीजेपी योजना ये सारा ओडिशावासी जानते खास कर कटक सहरवासी अनुभव करते गत निर्वाचन परिवर्तन चाहिए एवं परिवर्तन कलापर कटक सहरवासी अनुभव करले जे आमे उचित निष्पत्ति नेलु मोहम्मद मुकीम एटी विधायक निर्वाचित होलापर
କଟକ ସହର ବହୁତ ପ୍ରଗତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବିଡ଼ାନାସୀର ଡ୍ରେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ପେଟା ନାଳ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ, ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 8 ବର୍ଷ ଧରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ, ଗୋପାଳପୁର ହେବ କି ନରାଜରେ ହେବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଖରାରେ ଯେଉଁ ଖାନନଗରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୋର ମୂଳ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କୋଠା କାମ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କଟକ ସହରରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କଟକ ସହରବାସୀ ପୁଣି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କଟକ ସହର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ, ଯେଉଁଠି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି କଟକ ସହରକୁ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିଛି କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ସହରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କଟକ ସହର ଭିତରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ସବୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, ପୁରା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ଅମିୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ଅମିୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ। ଅମିୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଛି, ଖାସ କରି ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ୍ସ ବାଜି ସାରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାବାସୀ ଏ ନିର୍ବାଚନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଏହା କାରଣ ହେଲା, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟରେ PIL ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଏକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବନି ଏକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟର ଅଣ୍ଡର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଛି, ତେଣୁକରି ରାଉରକେଲାରେ ଏଥର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ। ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ BJD ରହିଛି, ସେ ହାରିବା ଭୟ ପାଇଁ ରାଉରକେଲାର ନିର୍ବାଚନ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଆଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କହି ରାଉରକେଲାର ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉଛି। ତ ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି। ଯିଏ କେସ୍କୁ ନେଇ ଯିଏ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରାହେଇଥିଲା, ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଯିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ BJP ନେତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିହାର ରାୟ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବନି। ରାଉରକେଲା ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏଥରକ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 2015 ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ଆମ 2014 15 ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ କିଛି ଲୋକ ୱାର୍ଡ଼ ଡିଲିମିନେସନ୍ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କେସ୍ଟା 15 ଆଜି ହେଇଗଲା 22, ମାନେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ତାକୁ କେସ୍ଟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲାନି। ଏବଂ ବିଗତ ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାଉରକେଲାଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଉରକେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ଯାଇକି ରିଟ୍ଟେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। ମୋ ପରେ ପରେ ରାଉରକେଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରିଟ୍ଟେ ଫାଇଲ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ତାରିଖ ନେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ, ସରକାର ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନଥିବାରୁ ତାରିଖ ନେଇ କେସ୍ଟାକୁ ଗଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆଜି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଗଲା। ଏଠି ରାଉରକେଲାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଦୀର୍ଘ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା, 13 ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇନି। ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ ରାଉରକେଲାବାସୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଆଘାତ ଦେବ। ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବ, ପୁରା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ। ଅମିୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରୁଷିଆର ଆଟାକ୍ ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍, ମେଲିଟୋପାଲ ସହରକୁ ପୁଣି ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବବିହଳ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକଲା ଲଢ଼ୁଛୁ, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଦେଶ କେବଳ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରୁଷିଆ ଅଟକିଛି କି? ସେପଟେ ରୁଷିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଥିଲା, ଆଗାମୀ 96 ଘଣ୍ଟାରେ କିଭ୍ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବ ରୁଷିଆ ବୋଲି ସେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ରୁଷିଆର ସେନା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ Day 2, ପୂର୍ବରେ ସୁମିରୁ କିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ରୁଷିଆ ସେନା। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ
आक्रमण कर उभय देश पक्षरु भिन्न भिन्न दाबी करा जाउछि। युक्रेनर गृह विभाग पक्षरु कुहा जाउछि कीव्रे 6 रु अधिक विस्फोरण होइछि। सेबडे युक्रेनर बड़ दाबी 800 रु अधिक रुषिया सेना को मारिबारे सफल होइछि युक्रेन सेना। सेपरि 30 ट्यांक एवं 7टी गुइंदा एयरक्राफ्ट को खसाइबारे सक्षम होइछि। सेपरि युक्रेन सरकार देशरु 18 रु 60 वर्ष वयस्कंकु देश छाडिबा उपरे प्रतिबंधक लगाइछि। प्राय 10,000 नागरिकंकु युद्ध पई प्रस्तुत करूछि। सेमानकु अस्त्रशस्त्र मध्ये जोगाइ दिया जाउछि। वर्तमान सुधा 1,00,000 रु अधिक लोक को विस्थापित कर सारी। Мы втратили за сегодня уже 137 наших героев, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, геройські, загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. तेज संपर्क में अधिक आलोचना करने आम जा बुर्ला बुर्लें उस्थित अच्छा आम प्रतिनिधि ज्योति नंद। ज्योति नंद आपड़ बर्तमान जो फैमिली रे उपस्थित अच्छा झील किद ते युक्रेन में जा पाठ पढ़ुते तेज बर्तमान पर कौन प्रतिक्रिया आसुच्छे देखु मदाकिन मुझ बर्तमान अच्छे बुर्ला मिशिलन निकट रही जी अच्छा श्री सुधाकर सामल अच्छा झील जाइए पाठ पढ़ाई युक्रेन में पाठ पढ़ु डाक्त पाठ पढ़ुते बर्तमान से घर को फेरी मैं सीधा सल सहित आलोचना करवा सेठिकार परिस्थिति किपरी थी बर्तमान से कौन कमे चाहते सेठिकार आप जो पाठ पढ़ुते बर्तमान से परिस्थिति किपरी थी आप आसे कमी मु आसिली आमर 15 तारीख रे एम्बेसी न्यूज देला कि से एडवाइजरी देला कि पळे आसो जेते शीघ्र तमे जदि आसी पारिबो तो आमे टिकेट करिलु 18 तारीख रो आउ आमे आसिलु सेठी परिस्थिति सब नॉर्मल अछि किछि जणा पड़नी जेतु एठी आमो पेरेंट्स माने देखु चंती न्यूज रे सब न्यूज रे जणा पड़ुछि किमिति तांको आर्मी बॉर्डर रे सब तार ट्रूप रेडी करिकि रखिथिला रशिया युक्रेन बॉर्डर रे किंतु युक्रेन भितरे किछि एमिति चेंज नथिला सब नॉर्मल चलथिला दुकान पत्र भी खोला थिला सब नॉर्मल थिला। वर्तमान आपन संग सहित आलोचना को फोन फाने को वर्तमान स्थिति किमिति रहिछ जणि जंदा से काली सकाळे 5:30 बेल को युक्रेन रे बम रो आवाज सुना जाइथला हॉस्टल रे तो सेमाने समस्त बहुत भयभीत अछंती सेमाने तांकु कुहा जी जाइछि कि तम फोन रे चार्ज रखिथिबो केबे भी जदी करंट सप्लाई केतोले बंद हे गला कि एमती भी तांकु कुहा जी कि जदी सायरन बाजिला ताले अंडरग्राउंड रे बंकर अछि सेठी कि पळेबे हॉस्टल रो अंडरग्राउंड बंकर आ सब ग्रोसरी सामान सब रखिथिबे निजे पाखरे आ बाहर को बाहरिबेनी मन कोन चो आपन जेले जो संग सहित आपन आलोचना करले वर्तमान संग माने तो भय रोई जों से जगह रे तांकर डर रोई जी वर्तमान युद्ध रोई जी केते बेले किछ आक्रमण हे पारे तो से आपन कोन अपील को सरकार को सरकार को मोर एहा अनुरोध कि से सब भारतवासी को सुरक्षित भाबे एठी कि नै आसन तो यथा शीघ्र तांकर जेतु किछ न क्षति हो मन देखन आपन जो तो फ्री आसी जों अनेक पो जो से जार फसी रोई जों आपन से घटना कि बोली देखु जों कोन कमे चाहु वर्तमान मो झी तो फेरी आसी आम न्यूज रे जिते सब देखिकी आम भी भयभीत हो जाऊ आउ जो आम भारत मान छात्र छात्री अच्छा से आम केन्द्र सरकार ओडिशा सरकार को अनुरोध करपा माँ पाखक फेरइक आणतु आलोचना आप झील तो फेरी आसे अनेक पु जो फसी रही बर्तमान तो जीपर परिस्थित आसी अनेक लोक भयर वातावरण खेलुँच तो आप घटना कि बापा देखु 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 आज्ञा आम मैने भारत वर्ष रे किछि सुविधा नथिबारु पिला माने बहुत भल पाठ पढ़ी मध्य से मैंने मेडिकल सीट पाउना
मो झी भी भल कर 450 नंबर रखिता तार ए वर्ष हूँ चतुर्थ वर्ष किंतु भारतर मेडिकल कॉलेज अभाव हेतु मो झीर मुझे पाठ पढ़ी आग को पढ़े पारि कहीं प्राइवेट कॉलेज रे एठी बहुत डोनेसन नौ तेणु आम पढ़े पार्न तेणु आम विदेश शस्त मिलूँ जहाँकि आम वर्षक 6 लाख टंका हेल्ले तार पाठपढ़ा हो तेणु आम आम झीव को उच्च शिक्षित करने आम विक्रण पठेलु तार ये वर्ष हूँ चतुर्थ वर्ष किंतु दिन प्रभा कॉलेज को आम पठेलु दुखर विषय युक्रेन रुषिया जो युद्ध है विगत तार जो आसंता जो एजुकेशन तार जो 2 वर्ष रहा मोर गोटे गोटे दुखर विषय रहीगला तेणु आम सरकार को अनुरोध करूँ जो युक्रेन जो छात्र छात्री मैंने मेडिकल छात्र छात्री मैंने पढ़ुंट से मैंने नीट्रे भल स्कोर कर जो बाकी जो रहा से मानकर आग को जो जार बर्षे 2 वर्ष कार 3 वर्ष 4 वर्ष मो झर मसर आ 1.5 वर्ष रहा कि सरकार तार से किपर आसंता पाठटा कमी चालू रार सुव्यवस्था केमी करेंगे आम तक अनुरोध करुचु आ बाकी जो छात्र छात्री मैंने दीर्घ मानने भारत 20,000 मानते 20,000 छात्र छात्री युक्रेन मेडिकल पढ़ुंट विभिन्न प्रांतर ओडिशारु अत्यंत 2,000 पिला भी छात्र छात्री से MBBS करम ओडिशा सरकार को नवीन सरकार को अनुरोध करुच्ची से भारत केन्द्र सरकार मोदी प्रधानमंत्री मोदी को अनुरोध करम ओडिशार जो बाकी जो छात्र छात्री अभिभावक मैंने बहुत चिंतार अच्छा बापा माँ मैंने जो कादुंट कहीं आम डेली टीवी देखु ब्रम ब्लास्ट रूसिया युक्रेन विभिन्न प्रांत में ब्रम ब्लास्ट कर मिसाइल ब्लास्ट कर तेणु एम जो छात्र मैंने जो भयभीत रही किसी एयरपोर्ट ज्योतिनंद जमी आप आलोचना करेतु युद्ध बर्तमान जारी रही समस्त छात्र छात्री मैंने निश्चित भाव डर अच्छा भयभीत अच्छा तेज मुझे ज्योतिनंद चाहिए जे आप युक्रेन फेरता छात्री प्रतिक्रिया ने जे से किभली भाव अनुभूति से फेरिले अनुभूति कौन थी एवं से संपर्क में आलोचना करुले तेज ज्योतिनंद युक्रेन फेरता छात्री मु आउ किछि प्रतिक्रिया जानिया पई चाहूँची जे तांकर आउ केते वर्ष रही पाठपढ़ा एवं से सेठारे तांकर यूनिवर्सिटी डीन को सहित किछि आलोचना करिछंती के संपर्क रे जे केमिति तांकर पाठपढ़ा से रखि पारिबे कंटिन्यू रखि पारिबे बोली देखो वर्तमान तो आप पाठपढ़ा शेष न हो फेरी आसी घर को तो आप कि देखिए पाठपढ़ा मैंने असुविधा निहाती रोज तो आप कॉलेज डायरेक्टर डीन अच्छा सहित आलोचना करें कौन पदक्षेप ऑनलाइन क्लास करना दे कि तुम पाठपढ़ असुविधा हेनी एवं तेणु से सिचुएशन खराब अच्छे से एवं ऑनलाइन क्लास कर अच्छा पाठपढ़ा तो ऑनलाइन हम कि जो भाव से युद्ध रही अनेक लोक मन मृत्युबरण हो सारी अनेक लोग भयर अच्छा जबकि आप कहते आप मैंने स्टूडेंट आप जो फ्रेंड्स रोचे फ्रेंड मैंने जो सांग रोचे भय लुचिक रोचे अंडरग्राउंड रोचे तो से बोली परिस्थित पाठपढ़ के बाधा सृष्टि हो बाधा बहुत सृष्टि होती जो मैंने अच्छा आम ये तो ऑनलाइन क्लास कर दूचु जेहेतु आमको टाइम मिलुच्छे कि बहुत असुविधा होती ज्योतिनंद पचारूनिवर्सीटी पाठ पढ़ुते सहित पखापाखि के छात्र छात्री से पाठ पढ़ुते यूनिवर्सीटी पाठ पढ़ुते आप सहित ओडिया छात्र के सहित आम सहित 50 मो कॉलेज देनीप्रो पेत्रोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो आपन ओडिया छात्र माने आपन संग केते जानतले से 50 जण कम देखुले मदा आलोचना कहते हैं सहित प्राय पाखापाखि 50 जन ओडिया छात्र छात्री सहित मैंने पाठ पढ़ुंट कि भर गोटे बड़ विषय यह हूँ जो समय मैंने युद्ध होर्तमान रही से मैंने स्टिकली कहुई मैं कौन लोक बाहर को बाहर अंडरग्राउंड लुचिक रखाई केत मुहूर्त कौन बर्तमान सुधा किसी जाना बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिनंद आपंकर तमाम सूचना तेज आसंता का जेहतु भोट गणति रही बर्तमान आसबि इलेक्शन कमिशन सचिव बर्तमान प्रेस मिट कर आसतु देखिए सीधा सड़क दृश्य
तेब परवर्त खबर को गृहमंत्री अमित शाह कथा होती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक युक्रेन में फसी ओडिया उद्धार संपर्क में आलोचना छात्र और श्रमिक को सुरक्षित उद्धार नहीं नवेदन कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समस्त सुरक्षित उद्धार पर प्रतिश्रुति गृहमंत्री अमित शाह सेपरि युक्रेन फेरता खर्च राज्य सरकार बहन करें मुख्यमंत्री समय शेष होइछि बुलेटिन पेज रखा नमस्कार।